हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज की अपडेट आ रही है एसएससी फेज 7 सिलेक्शन पोस्ट की तरफ से। आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, बी बीटेक डिप्लोमा आईटीआई फ्रेशर्स। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, हम सिर्फ उन्हीं वैकेंसी उन्हीं पोस्ट के बारे में बात करेंगे जिसके लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। आप बिल्कुल ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने की फीस है मात्र 100 रुपए। डिटेल में मैं पूरे नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ, आप बस आखिरी तक बने रहिएगा भाई मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करना, बी बीटेक वाले हैं डिप्लोमा वाले हैं तो लाइक करना तो बनता है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बता दीजिए सिलेक्शन पोस्ट में कुछ ऐसी वैकेंसी जिसके लिए फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, डिटेल्स दे दीजिए। और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया कर दीजिए। जैसा कि मैंने बताया एसएससी फेज 7 सिलेक्शन पोस्ट 2019 ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। बी बीटेक डिप्लोमा आईटीआई एक्सपीरियंस वालों के लिए तो वैकेंसी है, 1 साल 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बढ़िया मौका तो निकले ही एसएससी की तरफ से। लेकिन यहाँ पे कुछ वैकेंसी है जिसके लिए फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो हम इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। फॉर्म भरने की फीस है मात्र 100 रुपए। फॉर्म स्टार्ट हुआ है 6 तारीख से 6/8/2019 से, चलने वाला 31/8/2019 तक, और इसका सीबीटी 14/10/2019 से 18/10/2019 ये टेंटेटिव हमें बताया गया है। यहाँ पे वैकेंसी बहुत सारी है, 1350 से ज्यादा वैकेंसी है। जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स भी कुछ वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उन्हीं बारे में बात करेंगे। आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेपरेटली अलग अलग आपको एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो सीबीटी होने वाला है वो सेपरेट होने वाला है, मैट्रिकुलेशन लेवल की पोस्ट के लिए अलग होने वाला है, अलग सीबीटी का लेवल होने वाला है, 12th के लिए अलग लेवल का सीबीटी होने वाला है, इसके अलावा ग्रेजुएशन और अबोव के लिए अलग लेवल का सीबीटी होने वाला है। हालांकि सिलेबस बहुत हद तक सेम है, पैटर्न बहुत हद तक सेम है, लेकिन बस सीबीटी का लेवल अलग अलग होते जाएगा। तो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेपरेटली अलग अलग आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप 12th और ग्रेजुएशन लेवल के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका सीबीटी आपको अलग अलग सेपरेटली भी देना पड़ेगा, ये भी यहाँ पे हमें बता दिया गया है। सीबीटी में जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 1 घंटे 60 मिनट का हमको यहाँ पे टाइम मिलने वाला है। एज लिमिट हमें पोस्ट के साथ डिटेल में बताई गई है, एज लिमिट एज ऑन 1/8/2019 है, 1 अगस्त 2019 तक आपकी उम्र एज लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन भी एज ऑन 1/8/2019 रखा गया है, यानी कि 1/8/2019 तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, यह एक इंपॉर्टेंट बात है। सीबीटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, स्किल टेस्ट होगा, वो डिपेंड करता है पोस्ट के ऊपर। अब कौन कौन सी पोस्ट है फ्रेशर्स के लिए जिसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, चलते हैं सीधे मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और चेक करते हैं। सबसे पहले वैकेंसी है नॉर्दर्न रीजन में 14819 मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट की, 10 वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड है 6, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में ये वैकेंसी है। एज लिमिट इसमें 18 से 30 साल रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेवल ग्रेजुएशन एंड अबव, यानी कि जो सीबीटी होगा वो ग्रेजुएशन एंड अबव वाले लेवल का होगा। यहाँ पे मास्टर्स डिग्री आपके पास फिजिक्स में या फिर डिग्री है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर में, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं बोला गया, यानी कि फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं बी बी टेक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रूमेंटेशन वाले। 10 वैकेंसी है उसमें से 6 अनरिजर्व्ड है, मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट की वैकेंसी है। देन सब इंस्पेक्टर फायर की वैकेंसी है नॉर्दर्न रीजन में 15419, 75 वैकेंसी है जिसमें अनरिजर्व्ड है 27, ओबीसी है 22, एससी है 18 और एसटी है 8। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये वैकेंसी है। एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई, ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की ये वैकेंसी है। डिग्री है आपके पास साइंस में विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 10th है प्लस 3 साल का डिप्लोमा है मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, ऑटोमोबाइल में, केमिकल में, माइनिंग में, एरोनॉटिकल में, टेली कम्युनिकेशन में या फिर इसके इक्विवेलेंट में आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, अच्छी खासी वैकेंसी है 75 वैकेंसी और फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, तो ये एक बढ़िया मौका है। सब इंस्पेक्टर फायर की वैकेंसी है। चार्जमैन फैक्ट्री की वैकेंसी है वेस्टर्न रीजन 10719, 19 वैकेंसी है, अनरिजर्व है 12, ओबीसी के लिए 4 वैकेंसी है। नेवल आर्नामेंट डिपोट
मुंबई में ये वैकेंसी है, एज लिमिट 18 से 25 साल रखी गई है। बैचलर्स डिग्री है आपके पास साइंस में, बीएससी है विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, या फिर डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल में, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं बोला गया, यानी कि फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। चार्जमैन फैक्ट्री की वैकेंसी है मुंबई में। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी के अंदर वैकेंसी है नेशनल फायर सर्विस कॉलेज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नागपुर। 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है, 6 वैकेंसी अनरिजर्व्ड है 5। यहाँ पे बैचलर्स डिग्री आपके पास साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एस सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, या फिर 3 साल का डिप्लोमा है आपके पास सिविल में मैकेनिकल में इलेक्ट्रिकल में प्रोडक्शन में इंडस्ट्रियल में, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। खाली डिप्लोमा वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं बोला गया, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 वैकेंसी अनरिजर्व है 5। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल की वैकेंसी 6 वैकेंसी अनरिजर्व है 5। एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेंट्रल रीजन नागपुर के अंदर वैकेंसी है WR11719। बैचलर्स डिग्री विथ केमिस्ट्री एस सब्जेक्ट आप पढ़े हुए हैं, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बढ़िया मौका है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जियो फिजिक्स की वैकेंसी 4 वैकेंसी अनरिजर्व है 3। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई। इनिशियल पोस्टिंग की प्लेस है लखनऊ। बैचलर्स डिग्री है फिजिक्स जियो फिजिक्स जियोलॉजी मैथमेटिक्स एस सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 12th है प्लस 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्युनिकेशन में, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सेंट्रल रीजन 11819 जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जियोलॉजी की 3 वैकेंसी अनरिजर्व है 2। 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है। बैचलर्स डिग्री है जियोलॉजी में, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट ईस्टर्न रीजन 11719 लेवल 6 की पोस्ट है। सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है। बैचलर्स डिग्री है साइंस में विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं बीएससी विद केमिस्ट्री वाले। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल की वैकेंसी है कर्नाटका केरला रीजन में 10319। बैचलर्स डिग्री आपके पास केमिस्ट्री में केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आप पढ़े हुए हैं, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। KK11119 टेक्निकल ऑपरेटर मैकेनिकल की वैकेंसी है, इसमें 10th प्लस ITI है ऑटोमोबाइल डीजल इंजीनियरिंग में, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है NW11619 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है। BSc बुटैनी जूलॉजी BSc है एग्रीकल्चर में, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। NR15719 इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की वैकेंसी 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है। ग्रेजुएट है विथ इकोनॉमिक्स एज मेन सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की वैकेंसी है 2 है अनरिजर्व्ड है 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है। डिग्री है आपके पास उसमें स्टैटिक्स मैथमेटिक्स या फिर इकोनॉमिक्स एज वन ऑफ सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च असिस्टेंट एनवायरमेंट की वैकेंसी है, मास्टर्स डिग्री है एनवायरमेंटल साइंस में अर्थ साइंसेस में बुटैनी में जूलॉजी में केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी, या फिर बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी में किस में एनवायरमेंटल साइंस में बायोटेक्नोलॉजी में, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 4 वैकेंसी अनरिजर्व है 1। गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है NR16219। ऐसी वैकेंसी और भी दूसरे रीजन्स में भी आप चेक कर सकते हैं, 2 वैकेंसी है 1 अनरिजर्व है। इसमें डिग्री वाले कोई भी डिसिप्लिन से डिग्री आप अप्लाई कर सकते हैं। सी सर्टिफिकेट चाहिए NCC का नेशनल कैडेट कॉर्प का सी सर्टिफिकेट आपको चाहिए पड़ेगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी नॉर्दर्न रीजन की मैं आपको दिखा रहा हूँ, और भी दूसरे रीजन में ये वैकेंसी निकली हुई है। हायर सेकेंडरी 10+2 इसके इक्विवेलेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं। बायोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट बायो वाले अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है। टेक्निकल ऑपरेटर ड्रिलिंग की वैकेंसी निकली हुई है नॉर्दर्न रीजन में 13619। 17 वैकेंसी अनरिजर्व है 9। 10th प्लस 2 साल का ITI आपने किया हुआ है मैकेनिकल फिटर टर्नर, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इसके अलावा टेक्निकल ऑपरेटर ड्रिलिंग की दूसरे रीजन में भी वैकेंसी है, आप जरूर चेक कर लीजिएगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 3 जियो फिजिक्स के अंदर वैकेंसी है, इसमें 12th पास आउट इसके इक्विवेलेंट PCM के साथ साइंस ग्रुप वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 2 पोस्ट है दोनों अनरिजर्व है 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है। टेक्निकल ऑपरेटर ड्रिलिंग की जैसे कि मैंने बताया एक से ज़्यादा वैकेंसी है, सदर्न रीजन में भी वैकेंसी है, इसमें भी ITI मैकेनिकल फिटर टर्नर अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है, 16 वैकेंसी अनरिजर्व है 9। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिकल के अंदर वैकेंसी है 2 वैकेंसी है दोनों अनरिजर्व है। 12th पास आउट वाले इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, हायर सेकेंडरी लेवल का इसमें एग्जाम होगा, 12th पास में सब में हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम होगा। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल की वैकेंसी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है। बैचलर्स डिग्री विथ केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं।
कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जियोलॉजी में 4 वैकेंसी हैं, अनरिजर्व है 3। बैचलर्स डिग्री है जियोलॉजी में, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जियो फिजिक्स में वैकेंसी है, 6 वैकेंसी अनरिजर्व है 5। 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है। बैचलर्स डिग्री फिजिक्स जियो फिजिक्स जियोलॉजी मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, या फिर 12th पास आउट है प्लस 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ वैकेंसीज है जिसके लिए फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। आप इंटरेस्टेड है तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, फॉर्म भरने की फीस भी कम है, कंपटीशन तो रहेगा लेकिन भाई आप फाइट करेंगे तो बढ़िया रहेगा, फाइट जरूर कीजिएगा क्योंकि कम लोग अप्लाई करते हैं, कम लोग इस फॉर्म को भरते हैं, तो ये बढ़िया मौका रहेगा आपके लिए अगर आप फाइट करना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग, जय जवान जय किसान।